हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइवर गिग और टैक्स क्यों डिनाइड कर रहा है हमारी कोई भी, हम फॉर एग्जांपल कोई गिग बनाते हैं, कोई भी गिग बनाते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी नीश से रिलेटेड हो, फाइवर कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने भी अपनी गिग में देखा है, जब मैंने अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाई थी, अपनी गिग्स वगैरह बनाई थी फाइवर पे, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसी गिग्स होती हैं वो फाइवर डिनाइड कर देता है। अब ये क्यों करता है, क्या वजह होती है, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइवर क्यों डिनाइड करता है, वो तीन वेज ऐसी चीजें बताऊंगा मैं आपको, तीन रीजन बताऊंगा कि फाइवर हमारी गिग क्यों डिनाइड कर देता है। पहला रीजन हमारा कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉपी समवन एल्स टेक्स्ट। जी, पहला हमारा ये रीजन होता है कि हम जो है कभी किसी वक्त कभी भी समवन एल्स किसी का दूसरी चीज का कॉपी कर लेते हैं, किसी भी दूसरे सेलर का। फॉर एग्जांपल फाइवर पर कोई काम कर रहा है तो उसका सेलर का हम कोई टेक्स्ट उठाते हैं तो फौरन कॉपी पेस्ट, पूरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से फाइवर हमारी, पहला रीजन ये है कि फाइवर डिनाइड कर देता है इस वजह से कि हम किसी और सेलर का, किसी और का मेहनत हम चोरी कर लेते हैं या फिर अपने पास कॉपी करके अपनी फाइवर की गिग में लगा लेते हैं। तो पहला रीजन ये होता है कि फाइवर इस वजह से गिग डिनाई करता है कि हम दूसरे का टैक्स उठा लेते हैं और अपनी गिग में इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें आपने नहीं करनी है बिल्कुल। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हमारे पास होता है फाइवर क्यों डिनाई कर देता है कॉपी समवन एल्स पिक्स और वीडियो। आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था फाइवर पे, तो मैं क्या करता था, मैं जो है गूगल से कोई पिक उठा के अपनी गिग की इमेज में लगा देता था। मैं कोई भी गूगल से वीडियोस उठा के, कहीं से भी यूट्यूब से वीडियो उठा के डाउनलोड करके अपनी गिग की इमेज में लगा देता था। तो ये चीज मैंने गलती की, इसकी वजह से मेरी काफी गिग्स डिनाइड हुई है, काफी गिग्स जो है मेरी अच्छी नहीं गई और फालतू में उन्होंने डिनाइड कर दी और एक्टिवेट नहीं हो पाई। इसकी वजह से मेरा, आप मैंने आपको बताया भी है कि मेरा अपना एक फाइवर का अकाउंट भी बैंड हो चुका है इसी वजह से, क्योंकि मैंने किसी और की चीज में कॉपी पेस्ट करी थी, क्योंकि फाइवर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज है कि इस वजह से उसने मेरा अकाउंट बैन कर दिया और दूसरा अकाउंट पर मैंने उसी वक्त बनाया, उसी दिन बनाया, उसके बाद मैंने अपने दूसरे अकाउंट को बैन किया। और दूसरी गलती मैंने नहीं की कि जो मैंने पहले की थी, ये वीडियोस की गलती, जो वीडियोस की टेक्स्ट की और पिक की गलती दूसरे अकाउंट के दूसरे सेलर की कॉपी कर ली थी, वो मैंने दोबारा नहीं की। तो दूसरा रीजन ये था कि आपने कॉपी नहीं करना, किसी की भी पिक नहीं गूगल से उठाना है, कहीं से भी नहीं उठाना, ऐसी जगह से उठाना है जहां पे आपका कॉपीराइट फ्री हो, मतलब कॉपीराइट कोई नहीं लगे। कुछ जगह ऐसी वेबसाइट है जैसे कैनवा हो गया, जैसे पिक्सल्स हो गया, वहां से ऐसी भी वेबसाइट है जहां से आप कॉपीराइट फ्री कॉपीराइट वीडियो और इमेज आराम से पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी उसकी गिग की इमेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो दूसरा रीजन ये होता है कि फाइवर इसलिए हमारी डिनाई कर देता है क्योंकि हम पिक्चर और वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं किसी और की और अपनी गिग में लगा लेते हैं। तीसरा रीजन ये है कि हम, तीसरा रीजन हमारे पास ये होता है कि हम मैसेज करते हैं दूसरे फाइवर को, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, दूसरे फाइवर सेलर के पास जाते हैं और उनको मैसेज करते रहते हैं कि हमें ऑर्डर दे दो, हमें ऑर्डर दे दो, हमारी गिग ये है, हमारी गिग ये है। तो फाइवर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज है कि वो आपको ये पकड़ लेता है चीजें और आपकी ये गिग को बैन कर देता है या फिर डीएक्टिवेट कर देता है। अगर आपने ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि अगर आप दूसरे फाइवर सेलर के पास जाकर उनको ये कह रहे हैं कि मुझे कोई ऑर्डर दे दो, आपके इतने सारे ऑर्डर हैं, मुझे ऑर्डर दे दो, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मुझे फाइवर पर कोई काम दे दो, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपका फाइवर अकाउंट बैन भी कर सकता है। यहाँ पे गिग तो डीएक्टिवेट होगी ही होगी लेकिन आपका फाइवर अकाउंट बैन हो जाएगा अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे। तो कोशिश करें आप ये मैसेज, ऐसे मैसेज फाइवर किसी भी फाइवर सेलर को ना करें, अदर फाइवर सेलर को ना करें, ये चीजें आप कोशिश करें कि ना करें, तो इसकी वजह से आपका बैन होने से बच जाएंगी चीजें। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि आप किन किन चीजों को, गलतियां ना करें ताकि आपका फाइवर का अकाउंट बैन ना हो और फाइवर की गिग इमेज डीएक्टिवेट ना हो। पहला, किसी का कॉपी पेस्ट टेक्स्ट ना करें। दूसरा, पिक्स और वीडियोस का किसी का भी डाउनलोड ना करें, किसी की भी यूज ना करें। और तीसरा, किसी भी अदर सेलर को यूज ना करें, किसी भी अदर सेलर को मैसेज ना करें, तो इसकी वजह से आपका फाइवर अकाउंट बैन होने से बच जाएगा।
तो आपने देख लिया ये तीन ऐसे रीजंस जिसकी वजह से फाइवर आपका अकाउंट बैन कर सकता है और आपकी गिग इमेज को भी डीएक्टिवेट कर सकता है। तो आप कोशिश करें, जी हाँ बिल्कुल कोशिश करें, ये चीजें आप ना करें जिसकी वजह से मैं भी फेल हुआ था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी गलतियां कर चुका हूँ आपको वो बता सकूं ताकि आपका टाइम जाया उनसे बच जाए और आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग कर सकें और आप ज्यादा से ज्यादा मेरी एक्सपीरियंस से सीख सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।